Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो खुद से उतना प्यार नहीं करते जितना हमें करना चाहिए और इसीलिए हम दूसरों से उस प्यार की उम्मीद करने लगते हैं, ये जानने के लिए कि हम आखिर प्यार के लायक है या नहीं। एक परिवार वो जगह है जहाँ हर इंसान को बिना किसी शर्त के प्यार मिलना चाहिए और हर इंसान को उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, मगर फिर भी कई लोगों को इस तरह का प्यार और सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। और यही 2003 की इस इटालियन फिल्म में दिखाया गया है। कार्लो और जूलिया नाम के दो लोग रोम में रहते हैं, जहां उनके साथ उनके दो बच्चे वैलेंटीना और पाओलो रहते हैं, जो अपने माता पिता के बिल्कुल करीब नहीं, और ना ही कार्लो और जूलिया एक दूसरे के करीब है। उन दोनों के ही सपने कभी पूरे नहीं हुए और अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में वो दोनों फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन उनके बच्चों के खून में भी बिल्कुल इसी तरह दौड़ता है। कार्लो एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए काम करता है, जहां ना तो वो खुश है और ना ही अपनी इमेजिनेशन और टैलेंट का इस्तेमाल कर सकता है। जूलिया एक टीचर है जो काम के प्रेशर और पैसों की कमी से परेशान है। वैलेंटीना अपनी दोस्त से जलती है क्योंकि वो उसकी तरह नहीं है, और पाओलो जानता है कि उसके होने ना होने से उसके आसपास के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इन सारी चीजों की वजह से उस परिवार का कोई भी इंसान एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता। एक तरफ कार्लो चाहता था कि पूरा परिवार एक साथ वेकेशन पर जाए, जो शायद कभी नहीं हो सकता, तो दूसरी तरफ वैलेंटीना एक्टर बनने के लिए ऑडिशंस देना चाहती है। इस मुश्किल से गुजर रहे ये रिश्ते और मुश्किल में पड़ जाते हैं जब कार्लो एक पार्टी में जाता है और उसकी मुलाकात अलीसिया से होती है। कार्लो और अलीसिया कॉलेज में एक दूसरे से प्यार करते थे, पर उन दोनों ने ही किसी और से शादी कर ली। अगली सुबह हर कोई अपनी जिंदगी में लौट गया, पर कार्लो के दिमाग में सिर्फ अलीसिया घूम रही थी। पाओलो जिस लड़की इलारिया को पसंद करता है, उसकी वजह से उसका दिल टूट गया है, और वैलेंटीना अपनी एक्टिंग का सपना पूरा करने ऑडिशन के लिए गई, पर उससे ये कहा गया कि उसमें कोई टैलेंट ही नहीं है। जूलिया खुद भी कभी एक एक्टर बनना चाहती थी, पर उसे अपने सपने को छोड़ना पड़ा। अब सालों बाद वो अपने आप को एक और मौका देना चाहती थी, और उसे वो मौका अपनी दोस्त एलिना की मदद से मिलने वाला था। कार्लो ने मौका मिलते ही अलीसिया को कॉल किया और उससे मिलने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर एलिना जूलिया को एक थिएटर डायरेक्टर से मिलाने ले गई, जो जूलिया को अपने प्ले में काम देने के बारे में सोच रहा था। जब ये बात उसने कार्लो को बताई तो वो अलीसिया के ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, और अगले दिन वो उससे मिलने गया। वो दोनों अपने कॉलेज की बातें करने लगे। और तब अलीसिया ने कार्लो से उस किताब के बारे में पूछा जो कार्लो लिख रहा था। कार्लो ने अपना राइटर बनने का सपना सालों पहले छोड़ दिया था, पर अब अलीसिया उसे वही सपना पूरा करने के लिए कहने लगी। अलीसिया खुद भी अपनी शादी से खुश नहीं थी क्योंकि उसके पति के लिए उसने अपने आप को बदल दिया, पर अब वो दूसरों में प्यार ढूंढने लगा है। एक तरफ जूलिया अपने सपने की ओर बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ कार्लो और अलीसिया को समझ आया कि वो अब भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। अलीसिया के वापस आने से कार्लो फिर से वो इंसान बन गया जो सालों पहले मर चुका था, और उसके अंदर का वो एक्साइटमेंट वापस आ गया जिस वजह से उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो उस जगह काम करके खुश नहीं था। जूलिया को खुद के टैलेंट पर भरोसा नहीं था, पर उसके डायरेक्टर ने उस पर वो भरोसा दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया था, और कहा कि वो जूलिया के टैलेंट को देख सकता है। कार्लो नौकरी छोड़ने के बाद अब खुश था, पर जब उसने यही बात अपने घर पर बताई तो जूलिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका कहना था कि उन्हें पहले से ही पैसों की कमी हो रही है और उसकी नौकरी छोड़ने की वजह से और ज्यादा तकलीफें उन पर टूट पड़ेंगी। इस बात पर उनकी बहस हुई और कार्लो ने हर बार की तरह जूलिया के टैलेंट का मजाक उड़ाया। कार्लो के घर से बाहर जाने के बाद वैलेंटीना जूलिया से बात करने की कोशिश करती रही, पर जूलिया ने अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बताई और उस बात को टाल दिया। टीवी में एक्टिंग करने के सपने को पूरा करने के लिए वैलेंटीना उस आदमी के साथ घूमने फिरने लगी जिसे उसके करियर से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ वैलेंटीना के साथ रहना चाहता था। पाओलो ड्रग्स के चक्करों में पड़ने लगा सिर्फ इलारिया को इम्प्रेस करने के लिए, और इन्हीं चक्करों की वजह से वो अपने घर से पैसे चुराने लगा। कार्लो अपना हर वक्त अलीसिया और अपनी लिखी नॉवल के साथ बिताने लगा। वो अपने परिवार को भुलाकर वो करने लगा जिससे उसे खुशी मिलती है, और जूलिया भी अपने घर को छोड़कर उस डायरेक्टर अल्फ्रेडो के पास गई उसे ये बताने के लिए कि उसकी वजह से जूलिया के जीने की चाह लौट आई है,
और वो उससे प्यार करने लगी है। पर अल्फ्रेडो ने उसे बताया कि उनके बीच कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो गे है। अलिसिया ने फैसला कर लिया था कि वो कार्लो के साथ रहेगी और ये बात उसने अपने पति को भी बता दी। और दूसरी ओर जूलिया पहली बार अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर रही थी। वैलेंटीना को कार्लो से बात करके समझ आया कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और यही बात उसने जूलिया को भी बता दी। पूरी रात अलिसिया के साथ रहने के बाद जब कार्लो घर वापस आया तो उसकी बात जूलिया से हुई जो बुरी तरह परेशान थी, पर कार्लो ने उसे कुछ नहीं बताया। जूलिया ने गुस्से में कार्लो से घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा और बिना कुछ कहे वो जाने के लिए तैयार हो गया। जूलिया ने उसे समझाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कार्लो ने किसके साथ रात बिताई, पर जल्दबाजी में उसका सब कुछ छोड़कर जाना ठीक नहीं है। अपने बच्चों के लिए जूलिया ने उसे रोक लिया, पर वो जानती थी कार्लो अब भी अपना अफेयर जारी रख रहा था। उसने हर कोशिश की कार्लो को वापस अपने करीब लाने की, पर कार्लो का कहना था कि वो दोनों एक दूसरे से अब प्यार ही नहीं करते। वो दोनों इस बात पर फिर से बहस करने लगे और गलती से वो घर के बाहर आ गए और घर की चाबियां वैलेंटीना और पाओलो के पास थी जो घर पर नहीं थे। चाबियां लेने जब जूलिया वैलेंटीना के पास गई तो उसके साथ बैठे लोगों ने उसे वही रोक लिया और पाओलो के साथ कार्लो घर के अंदर आ गया। वैलेंटीना अपनी माँ को लेकर एक पार्टी में चली गई जहाँ उसके बॉयफ्रेंड को समझ आया कि वो काम पाने के लिए दूसरे एक्टर्स के करीब आ रही है। जब उसे घर वापस ले जाने की कोशिश जूलिया ने की तो उसने उल्टा जूलिया को ही बुरा भला कह दिया और कहा कि अच्छा हुआ कार्लो ने उस पर चीट किया। इन सारी बातों से जूलिया टूट चुकी थी, पर फिर भी वो अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह अलिसिया ने कार्लो से कहा कि वो उसके साथ वहाँ से दूर जाना चाहती है और बिना कुछ सोचे समझे कार्लो उसके साथ जाने के लिए मान गया। जूलिया को समझ आ गया था कि कार्लो घर छोड़कर जाने वाला है और उसे रोकने की कोशिश करते हुए जब जूलिया उसके पीछे दौड़ी तो अचानक कार्लो का एक्सीडेंट हुआ। एक तरफ अलिसिया उसका इंतजार कर रही थी तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कार्लो के ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। ऑपरेशन के बाद जब कार्लो को होश आया तो उसने बताया कि डॉक्टर का कहना है वो फिर से चल फिर पाएगा और ये बात सुनकर उन सब की खुशी लौट आई। जूलिया कार्लो को संभाल रही थी और धीरे धीरे उनका रिश्ता ठीक होने लगा था। साथ ही जूलिया अपनी एक्टिंग का काम पहले से बेहतर करने लगी थी, पर वो जानना चाहती थी कार्लो की जिंदगी में आई वो दूसरी औरत कौन है। उसके बार बार पूछने के बावजूद कार्लो उस बारे में बात नहीं करना चाहता था और वो समझ चुका था कि उसे जूलिया की जरूरत है। उन दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे और इसलिए अब वो सब कुछ पहले की तरह ठीक करेंगे। जूलिया के शो की रात आई, पर उसका शो देखने वहाँ ना तो पाओलो आया ना वैलेंटीना। पाओलो अपनी पार्टी में बिजी था जहाँ वो सबके लिए ड्रग्स लाया था और वैलेंटीना अपने बॉयफ्रेंड के घर पर थी जो किसी और के साथ डिनर के लिए चला गया। जूलिया का शो अच्छा गुजरा और उसकी बहुत तारीफ हुई। पर दूसरी तरफ उसके घर पर पाओलो ड्रग्स की वजह से होश खोने लगा और इलारिया वहाँ से चली गई, जबकि पाओलो ने वो पार्टी उसी के लिए रखी थी। और तब पाओलो को समझ आया कि वो जिस लड़की को पसंद करता है वो उसके बारे में सोचती ही नहीं। वैलेंटीना ने अपने मतलब के लिए जो रिश्ता बनाया था वो किसी और के साथ वक्त गुजारने लगा तो उसे एहसास हुआ कि वो उससे प्यार करती है और इस बात पर उनका झगड़ा हुआ। पर झगड़े के बावजूद अगली सुबह वो वैलेंटीना को अपने साथ ऑडिशन के लिए ले गया। ऑडिशन देने पर वैलेंटीना को सिलेक्ट कर लिया गया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये बात बताने वो सीधे अपने पिता के पास गई जो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। पूरा परिवार वैलेंटीना के लिए खुश था, पर पाओलो को अब भी इलारिया की बात परेशान कर रही थी और अपना गुस्सा वो जूलिया पर उतारने लगा। उसने फैसला किया कि वो भी कुछ करके दिखाएगा, चाहे किसी और को उसकी काबिलियत पर भरोसा हो या ना हो। और वैलेंटीना और जूलिया के साथ साथ पाओलो भी अपनी जिंदगी सुधारने में लग गया। वैलेंटीना पहली बार टीवी पर आने वाली थी और उसका शो देखकर हर कोई खुश था सिवाय उस दोस्त के जिससे वो जलती थी। कार्लो की घर वापसी पर जूलिया ने उसके ऑफिस के दोस्तों को घर पर बुलाया और उनका परिवार पहले की तरह खुश रहने लगा। कार्लो को सालों बाद एहसास हुआ कि जूलिया अब भी उतनी ही खूबसूरत है और वो कभी उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहता। वैलेंटीना को वो सब कुछ मिल रहा था जो उसे चाहिए था और पाओलो घर से दूर अपना करियर बनाने जाने लगा जहाँ उसे कोई ऐसा मिला जिसका वो इंतजार कर रहा था। अंत में पाओलो और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाने पर
कार्लो को अलीसिया मिली, पर इस बार वो दोनों सिर्फ एक दोस्त की तरह मिले और अपनी अपनी जिंदगी में खुशी से रहने लगे। पूरा परिवार क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहा था और तब कार्लो को वो किताब मिली जो वो लिख रहा था, और जो किताब उसने अलीसिया के कहने पर लिखी थी। उस किताब के पन्ने पढ़ने पर उसे फिर से अलीसिया की याद आई और तब उसने अलीसिया को कॉल किया। उन दोनों ने कुछ दिनों में फिर से मिलने की बात की और कार्लो फिर से अलीसिया की तरफ बढ़ने लगा। कार्लो का रिश्ता चाहे जूलिया के साथ ठीक हो गया हो, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे दूर जाने की कितनी भी कोशिश की जाए दूर नहीं जा पाते, और कार्लो के लिए वो रिश्ता अलीसिया के साथ का है। इन सारी चीजों की वजह से उस परिवार का कोई भी इंसान एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।